اعوذ بالله من الشيطان الرجيم अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं सो इन नामों से उसको पुकारा करो और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी न रखो जो उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको उनके किए की जरूर सजा मिलेगी अन ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

इसी हदीस के दूसरे अल्फाज में यह है जो शख्स इनको हिफ्स कर लेगा और बराबर पढ़ता रहेगा वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा वो नाम उनके मानी और उनकी फजीलत कुछ इस तरह से है यह अल्लाह का नाम जो शख्स रोजाना एक हजार मरतबा या लाहू पढ़ेगा इन उसके दिल से तमाम शकु को शुभा दूर हो जाएंगे और अजम यकीन की कुत नसीब होगी जो ला इलाज मरीज बकसरत या लाहो का विद रखे और उसके बाद शिफा की दुआ मांगे उसको शिफाए कामिल नसीब होगी बेहद रहम करने वाले जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद सौ मरतबा या रहमानु पढ़ेगा उसके दिल से इनशा हर किस्म की सख्ती और गफलत दूर हो जाएगी या रहीम। ए बड़े मेहरबान जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद सौ मरतबा या रहीम पढ़ेगा तमाम दुनियावी आफतों से इन शाह महफूज रहेगा और तमाम मखलूक उस पर मेहरबान हो जाएगी या मलिक ऐ हकीकी बादशाह जो शख्स रोजाना सुबह की नमाज के बाद या मालिक को कसरत से पढ़ा करेगा अल्लाह ताला उसे गनी फरमा देंगे खुद ऐ बुराइयों से पाक जात जो शख्स रोजाना जवाल के बाद या खुद को कसरत से पढ़ेगा इन उसका दिल रूहानी अमराज से पाक हो जाएगा या सलाम। ए बे ए ए जात जो शख्स कसरत से या सलामू पढ़ता रहेगा इन शह तमाम आफतों से महफूज रहेगा जो शख्स 115 सौ पंद्रह मरतबा ये इसम पढ़कर बीमार पर दम करेगा अल्लाह तला उसको सेहत व शिफा अदा फरमाएंगे ईमान देने वाले जो शख्स किसी खौफ के वक्त 630 सौ तीस मरतबा इसम को पढ़ेगा इन हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहेगा जो शख्स इस इस्म को पढ़े या लिख कर पास रखे उसका जाहिर बातिन अल्लाह तला की अमान में रहेगा ऐ निगहबान जो शख्स वोसिल करके दो रकात नमाज पढ़े और सित के दिल से सौ मरतबा या मोहिमनों पढ़े अल्लाह ताला उसका जाहिर वातिन पाक फरमा देंगे और जो शख्स एक सौ पंद्रह मरतबा पढ़े तो इन शोशीदा चीजों पर मुतला हो सब पर गालिब जो शख्स चालीस दिन तक चालीस मरतबा या अजीजो पढ़ेगा अल्लाह ताला तक मोजिजो मुस्तगनी बना देंगे और जो शख्स नमाज फजर के बाद इकतालीस मरतबा पढ़े वो इनशाला किसी का मोहताज ना हो और जिल्लत के बाद इज्जत पाए जब ऐ सबसे जबरदस्त जो शख्स रोजाना सुबह शाम 226 सौ छब्बीस मरतबा या जब बारू पढ़ेगा इन ज़ालिमों के जुल्मों कहर से महफूज रहेगा और जो शख्स चांदी की अंगूठी पर यह इसम नक्श करा के पहनेगा उसकी हैबतो शौकत लोगों के दिलों में इंशाला पैदा होगी ए बड़ाई और बुजुर्गी वाले जो शख्स कसरत से या मुतकबरों का विद रखेगा अल्लाह ताला उसे इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे और अगर हर काम की इब्तदा में यह इसम ब कसरत पढ़े तो इन शाह उसमें कामयाब होगा पैदा करने वाले जो शख्स सात रोज तक मुतवा सौ मरतबा या खालो पढ़ेगा इन तमाम आफतों से महफूज रहेगा जो शख्स हमेशा ये इसम पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और उसका चेहरा मुनवर रहता है ये ऐ जान डालने वाले अगर पांच औरत सात रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद इक्कीस मरतबा अलबारी मुसवर पढ़े तो इन उसे औलाद नरीना नसीब हो या सूरत देने वाले अगर बांच औरत सात रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद इक्कीस मरतबा अलबारी उल मुसविर पढ़े तो इन उसे औलाद नरीना नसीब हो दरगुजर और पर्दापोशी करने वाले जो शख्स नमाज जुमा के बाद सौ मरतबा या गफ्फारू को पढ़ा करेगा इन लगेंगे और जो शख्स नमाज असर के बाद रोजाना या गफ्फारू फिर ली पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इनशाला बख्शे हुए लोगों के जुमरे में दाखिल करेंगे या सब को अपने काबू में रखने वाले जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से या कहार उपढ़े, तो इनशाला दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से जाती रहेगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी या सब कुछ अदा करने वाले जो शख्स फिक्र फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से या वहा पढ़ा करे या लिखकर अपने पास रखे या चाशती नमाज के आखिरी सजदे में चालीस मरतबा ये इसम पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फिक्रो फाका से इनशाला उसको हैरत अंगेज तरीक पर निजात दे देंगे और अगर कोई खास हाजत दरपेश हो तो घर या मस्जिद के सहन में तीन बार सजदा करके हाथ उठाए और सौ मरतबा ये इसम पढ़े इन हाजत पूरी हो जाएगी या ए बहुत बड़े रोजी देने वाले जो शख्स नमाज सुबह से पहले अपने मकान के चारों कोनों में दस दस मरतबा या रजा को पढ़कर दम करेगा अल्लाह ताला उस पर रिस्क के दरवाजे इंशाला खोल देंगे और बीमारी और मुफलिसी उसके घर में हर गिस् आएगी दाहिने कोने से शुरू करें और मुंह बले की तरफ रखे ए बहुत बड़े मुश्किल कुशा जो शख्स नमाज फज्र के बाद दोनों हाथ सीने पर बांधकर सत्तर मरतबा या फताहू पढ़ा करेगा इन उसका दिल नूरे ईमान से मुनवर हो जाएगा या अली। ऐ बहुत वसी इल्म वाले जो शख्स कसरत से या आलिमों का विद रखेगा अल्लाह ताला उस पर इल्मों मार्फत के दरवाजे खोल देंगे ऐ रोजी तंग करने वाले जो शख्स रोटी के चार लुकमों पर या काबज लिखकर चालीस दिन तक खाएगा भूख प्यास जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ से इंशाला महफूज रहेगा या बासित। ए रोजी फराख करने वाले जो शख्स नमाज चाश्त के बाद आसमान की जानब हाथ उठाकर रोजाना दस मरतबा या तो पढ़ा करेगा और मुंह पर हाथ फेरेगा अल्लाह ताला उसे इंशाला गनी बना देंगे और कभी किसी का मोहताज ना होगा ऐ पस्त कर देने वाले जो शख्स रोजाना पांच सौ मरतबा या खाफिदो पढ़ा करे अल्लाह तक हाजतें इन शाह पूरी और मुश्किल दूर फरमाएंगे जो शख्स तीन रोजे रखे और चौथे रोज एक जगह बैठकर सत्तर बार अल खाफिदो पढ़े तो इन शाह दुश्मन पर फतेह याब हो या ऐ बुलंद कर देने वाले, जो शख्स हर महीने की चौदहवीं रात को आधी रात में सौ मर्तबा अर्राफे वो पढ़े तो अल्लाह ताला उसे इंशाल्लाह मखलूक से बेनियाज और तवंगर बना देंगे ऐ इज्जत देने वाले जो शख्स पीर या जुम्मे के दिन बाद नमाज मग़रिब चालीस मरतबा या मोइज्जो पढ़ा करेगा अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह लोगों में बाइज्जत और बावकार बना देंगे ऐ ज़िल्लत देने वाले जो शख्स पिछहत्तर मरतबा या मजिल्लो पढ़कर सरबसजूद होकर दुआ करेगा अल्लाह ताला उसको इन शह हास्दों ालिमों और दुश्मनों के शर से महफूज रखेंगे अगर कोई खास दुश्मन हो तो सजदे में उसका नाम लेकर ए अल्लाह फलां जालिम या दुश्मन के शर से महफूज रख दुआ करे इन कबूल होगी ये समिया ए, सब कुछ सुनने वाले जो शख्स जुमेरात के दिन चाश्त की नमाज के बाद पांच सौ या सौ या पचास मरतबा या समयों पढ़ेगा इनशाला उसकी दुआएं कबूल होंगी दरमियान में किसी से बात हर ना करे और जो शख्स जुमेरात के दिन फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान सौ मरतबा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इन शह नजर खास से नवाजेंगे ऐसा कुछ देखने वाले जो शख्स नमाज जुमा के बाद सौ मरतबा या बसीरों पढ़ा करेगा अल्लाह ताला उसकी निगाह में इंशाला रोशनी और दिल में नूर पैदा फरमाएंगे हाकिम मुतलक जो शख्स आखिर शब्द में निन्यानवे मरतबा बावजू या हकमों पढ़ा करेगा अल्लाह ताला उसके दिल को इन शह महल असरार अनुवार बना देंगे और जो शख्स जुमे की रात में यह इसम इस कदर पढ़े कि बेहाल बेखुद हो जाए तो अल्लाह ताला उसके कल्ब को इनशा कशफो विल्हम से नवाजेंगे याद। ए सर तपा इंसाफ जो शख्स जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात में रोटी के बीस टुकड़ों पर अल अदलो लिखकर खाएगा अल्लाह ताला मखलूक को उसके लिए मुश्कर फरमा देंगे इन शीफ ए बड़े लुत्फों कर्म करने वाले जो शख्स एक सौ तैंतीस मरतबा या लतीफों पढ़ा करे इन उसके रिस्क में बरकत होगी और उसके सब काम बहू भी पूरे होंगे जो शख्स फिक्रो फाका दुख बीमारी तनहाई और कसम पुरसी या किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो वो अच्छी तरह वजू करके दो गा पढ़े और अपने मकसद व मतलब को दिल में रखकर सौ मरतबा ये इसम पढ़े इनशा मकसद पूरा होगा या ए और आगा जो शख्स सात रोज तक या खबीर बकसरत पढ़ेगा इन ताला उस पर पोशीदा राज जाहिर होने लगेंगे जो शख्स ख्वाहिशाह के नफसानी में गिरफ्तार हो वो बकसरत इस इस्म का विरद करे इन उनसे रिहाई नसीब होगी या ऐ बड़े बुर्दबार जो शख्स या हलीमो को कागज पर लिखकर पानी से धोकर जिस चीज पर उस पानी को छिड़के या मलेगा इन शाह उसमें खैर बरकत होगी और आफतों से वो महफूज रहेगी या ए बड़े बुजुर्ग जो शख्स या अजीमों का बक़सरत बसरत रखेगा, इनशाला उसे इज्जत अजमत नसीब होगी या गफूर। ए बहुत बख्शने वाले जो शख्स या गफूरों का बकसरत विरध रखेगा इन शाह तला उसकी तमाम तकलीफें और रंजो गम दूर हो जाएंगे और मालो औलाद में बरकत होगी हदीस शरीफ में आया है कि जो सजदे में या रब फिर ली तीन मरतबा कहेगा अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुना माफ फरमा देंगे या ए जो शख्स माशी तंगी या किसी और दुख दर्द रंजो गम में मुब्तला हो वो या शकूरों को इकतालीस मरतबा रोजाना पढ़े इन उससे रिहाई नसीब होगी या अली। ए बहुत बुलंद बर्तर जो शख्स या अओ को हमेशा पढ़ता रहे और लिखकर अपने पास रखे इनशा उसे रुतबे की बुलंदी खुशहाली और मकसद में कामरानी नसीब होगी कबीर ऐ बहुत बड़े जो शख्स अपने उहदे से माजूल हो गया हो वो सात रोजे रखे और रोजाना एक हजार मरतबा या कबीरों पढ़े वो इंशाला अपने उहदे पर बहाल हो जाएगा और बुजुर्गी और बर्तरी नसीब होगी ऐ सब के मुहाफिज जो शख्स बकसरत या हफीजों का विरत रखेगा और लिखकर अपने पास रखेगा वो इन शह हर तरह के खौफ और खतर और नुकसानो जरर से महफूज रहेगा सबको रोजी और तवानाई देने वाले जो शख्स खाली आप खोरे में सात मरतबा या मुकी तो पढ़कर दम करेगा और उसमें खुद पानी पिए या किसी दूसरे को पिलाए या सूंघेगा तो इन शाह मकसद हासिल होगा ये ऐ सब के लिए किफायत करने वाले जिस शख्स को किसी भी शख्स या चीज का डर हो वह जुमेरात से शुरू करके आठ रोज तक सुबह शाम सत्तर मरतबा हसबी अल्लाह हसीब पढ़े वो इंशाला हर चीज के शर से महफूज रहेगा ये जलील ऐ बहुत बड़े और बुलंद मरतबे वाले जो शख्स मुश्क जाफरान से या जलीलों लिखकर अपने पास रखेगा और बकसरत या जलीलो का विरद रखेगा अल्लाह ताला उसको इंशाला इज़्ज़त अजमत और कदर वंजिलत अता फरमाएंगे ऐ बहुत करम करने वाले जो शख्स रोजाना सोते वक्त या करीम वो पढ़ते पढ़ते सो जाया करे अल्लाह ताला उसको उलमा वह में इज्जत नसीब फरमाएंगे बड़े निगहबान जो शख्स अपने अहलो आयाल और मालो मनाल पर सात मरतबा या रकीबो पढ़कर रोजाना दम किया करे और या रकीबों का विरद रखे इनशाला वो सब आफतों से महफूज रहेगा ऐ दुआएं सुनने और कबूल करने वाले जो शख्स कसरत से या मुजीबो पढ़ा करे इनशाला उसकी दुआएं बारगाह खुदाबंदी में कबूल होने लगेगी वसत वाले जो शख्स बकसरत कसरत या वास का विरद रखेगा इन शाह उसको जाहिरी और बातनी गना अल्लाह ताला अता फरमाएंगे ऐ बड़ी हमतों वाले जो शख्स कसरत से या हकीमों पढ़ा करे अल्लाह ताला उस पर इंशाला हिकमत के दरवाजे खोल देंगे जिस शख्स का कोई काम पूरा ना होता हो तो वो पाबंदी से इस इस्म को पढ़ा करे इन काम पूरा हो जाएगा या ए बड़े मोहब्बत करने वाले जो शख्स एक हजार मरतबा या वूदो पढ़कर खाने पर दम करेगा और बीवी के साथ बैठकर वह खाना खाएगा तो इंशाला मिया बीवी का झगड़ा खत्म हो जाएगा और बाहमी मोहब्बत पैदा हो जाएगी ये मजीद। बड़े बुजुर्ग जो शख्स किसी मूजी मर्ज आतशिक जजाम वगैरह में गिरफ्तार हो वो तेरह चौदह पंद्रह तारीख के रोजे रखे और इफ्तार के बाद ब इस इसम को पढ़ा करे और पानी पर दम करके पिए इन वो मर्ज दूर हो जाएगा या ए, मुर्दों को जिंदा करने वाले जो शख्स रोजाना सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर 101 सौ एक, एक मरतबा या बासू पढ़ा करे इन उसका दिल इल्मो हिकमत से जिंदा हो जाएगा हाजिर नाजिर जिस शख्स की बीवी या औलाद नाफरमान हो वो सुबह के वक्त उसकी पेशानी पर हाथ रखकर 21 मरतबा या शहीदों पढ़कर दम करे इन शाह हो जाएगी बरहक को बरकरार जो शख्स चौकोर कागज के चारों कोनों पर अलहक को लिखकर सहर के वक्त कागज को हथेली पर रखकर आसमान की तरफ बुलंद करके दुआ करे इंशाला गुमशुदा शख्स या सामान मिल जाएगा और नुकसान से महफूज रहेगा या वकील। ए बड़े कारसाज जो शख्स किसी भी आसमानी आफत के खौफ के वक्त बकसरत या वकीलों का विद करेगा और इस इसम को अपना वकील बना लेगा वो इनशाला हर आफत से महफूज रहेगा या ए बड़ी ताकत वाले जो शख्स वाकई मजलूम और कमजोर मकलूब हो वो ज़ालिम और ताकतवर दुश्मन को दफा करने की नीयत से बकसरत या कवियो पढ़े इनशा उससे महफूज रहेगा बेमहल और नाहक ये अमल हरगस ना करे ए शदीद क़त वाले जिस मां के दूध ना आता हो उसको अलमतीनों कागज पर लिखकर धोकर पिलाए इनशा अफाका होगा ए मददगार और हिमायती, जो शख्स अपनी बीवी की आदतों खसलतों से खुश ना हो वो जब उसके सामने जाए या वली वो पढ़ा करे इनशाला नेक खसलत हो जाएगी या ए लाइक तारीफ जो शख्स पैंतालीस दिन तक मुतवातर, तिरानवे मरतबा तन्हाई में या हमीदो पढ़ा करेगा उसकी तमाम बुरी खसलतें और आदतें इंशाला दूर हो जाएंगी ये ए अपने इल्म और शुमार में रखने वाले जो शख्स रोटी के बीस टुकड़ों पर रोजाना बीस मरतबा या मुखसी पढ़कर दम करे और खाए तो इनशाला मखलूक उसके लिए मुसर हो जाएगी ऐ पहली बार पैदा करने वाले जो शख्स शहर के वक्त हामिला औरत के पेट पर हाथ रखकर निन्यानवे मरतबा या मुबदी ओ पढ़ेगा इनशाला ना उसका हमल गिरेगा ना वक्त से पहले बच्चा पैदा होगा ये ऐ दोबारा पैदा करने वाले गुमशुदा शख्स को वापस बुलाने के लिए जब घर के सब आदमी सो जाए तो घर के चारों कोनों में सत्तर सत्तर मरतबा या मोईदों पढ़े इनशाला सात रोज में वापस आ जाएगा या पता चल जाएगा ये ऐ जिंदगी देने वाले जो शख्स बीमार हो वो बक़सरत कसरत का विरद रखे या किसी दूसरे बीमार पर दम करे तो इनशाला सेहत हो जाए जो शख्स नवासी मरतबा अलमुही पढ़कर अपने ऊपर दम करे वो हर तरह की बंद से इंशाला महफूज रहेगा ये मौत देने वाले जिस शख्स का नफ्स उसके काबू में ना हो वो सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर अलमुमी तो पढ़ते पढ़ते सो जाए तो शाह उसका नफ्स मोती हो जाएगा ये है। ए हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाले जो शख्स रोजाना तीन हजार मरतबा अलहयो का रखेगा, वो इंशाला कभी बीमार ना होगा जो शख्स इस इसम को चीनी के बर्तन पर मुश्क और गुलाब से लिखकर शीरी पानी से धोकर पिए या किसी दूसरे बीमार को पिलाए इनशाला शिफाए कामिल नसीब हो ये कोई को कायम रखने वाले और संभालने वाले जो शख्स बक़सरत अल अलकयमों का विरद रखे इनशाला लोगों में उसकी इज्जत और साख ज्यादा हो और तन्हाई में बैठकर विरद करे तो इंशाला खुशहाल हो जाए जो शख्स सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक या हैयो या कयूमों का विरद क्या करे इन उसकी सुस्ती काहिली दूर हो जाए जिद ए हर चीज को पाने वाले जो शख्स खाना खाते वक्त या वाजिदों का विरद रखे गजा उसके कल्ब की ताकत और, और नूरानियत का बास हो इनशा जिद ए बुजुर्गी और बड़ाई वाले जो शख्स तन्हाई में या माजिदो इस कदर पढ़े के बेखुद हो जाए तो इन उसके कल पर अनवारे इलाही जाहिर होने लगेंगे या एक और अकेले जो शख्स रोजाना एक हजार मरतबा आहदु पढ़ा करे उसके दिल से इनशाला मखलूक की मोहब्बत और खौफ जाता रहेगा जिस शख्स के औलाद ना होती हो वो इस इसम को लिखकर अपने पास रखे इनशाला उसको औलाद साले नसीब होगी बे न्याज जो शख्स सहर के वक्त सजदे में सर रखकर 115 या 125 सौ पच्चीस मरतबा या समो पढ़े उसको इनशाला जाहिरी और बातिनी सच्चाई नसीब हो और जो शख्स बावजू इस इसम का विरद जारी रखे वो इन मखलूक से बेनियाज हो जाए कुदरत वाले, जो शख्स दो रकत नमाज पढ़कर सौ मरतबा अलकादर पढ़ेगा अल्लाह तला उसके दुश्मनों को जलील और रस्वा फरमा देंगे अगर वह हक पर होगा अगर किसी शख्स को कोई दुशवार काम या किसी काम में दुशारी पेश आ जाए तो इकतालीस बार या कादिर पढ़े इनशा वो दुश्वारी दूर हो जाएगी या पूरी मुखदरत रखने वाले जो शख्स सोकर उठने के बाद बकसरत अल अलमुखदों का विद किया करे या कम अज कम बीस मरतबा पढ़ा करे इन उसके तमाम काम आसान और दुरुस्त हो जाएंगे पहले और आगे करने वाले जो शख्स जंग के वक्त अल अलमुकदम कसरत से पढ़ता रहेगा अल्लाह ताला उसे पेश की पेश कदमी अता फरमा देंगे और दुश्मनों से महफूज रखेंगे और जो शख्स हर वक्त या मुकदमों का विरद रखेगा वो इनशाला अल्लाह तला का मतियो फरमा बरदार बन जाएगा पीछे और बाद में रखने वाले जो शख्स कसरत से अलमुअरों का विरद रखेगा उसे इन सच्ची तौबा नसीब होगी और जो शख्स रोजाना सौ मरतबा इसम को पाबंदी से पढ़ा करे उसको इनशाला ऐसा हक ताला का कुर्ब नसीब होगा कि उसके बगैर चैन न आएगा सबसे पहले जिस शख्स के लड़का ना होता हो वो चालीस दिन तक चालीस मरतबा रोज अल अलअलू पढ़ा करे इनशाला उसकी मुराद पूरी होगी जो शख्स मुसाफिर हो वो जुम्मे के दिन एक हजार मरतबा अलअलू पढ़े इनशाला जल्द बखैरियत वतन वापस पहुंचेगा ऐ सब के बाद जो शख्स रोजाना एक हजार मरतबा अल आखिर पढ़ा करे उसके दिल से गैर अल्लाह की मोहब्बत दूर हो जाएगी और इन शह सारी उम्र की कोताहियों का कफारा हो जाएगा और खात्मा बिलखैर होगा ए जो शख्स नमाज इशराक के बाद पांच सौ मरतबा अजाहों का विद किया करे अल्लाह तंखों में रोशनी और दिल में नूर अता फरमाएंगे इन पोशीदाओ पिन्हा जो शख्स रोजाना पैंतीस मरतबा या बातिन पढ़ा करे इन उस पर बातिनी असरार जाहिर होने लगेंगे और उसके कल्ब में इन सोहबत इलाही पैदा होगा जो शख्स दो रकत नमाज अदा करके हुल वल 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 हुनु हुआ अला कुल शैन कदीर पढ़ा करे इनशाला उसकी तमाम हाजतें पूरी होंगी मुतवली और मुतसरफ जो शख्स कसरत से अलवालियों का विद रखेगा वो नागहानी आफतों से इंशाला महफूज रहेगा कोरे आप खोरे में ये इसम लिखकर इसमें पानी भरकर मकान में छिड़केगा तो वो मकान भी इंशाला तमाम आफतों से महफूज रहेगा अगर किसी को मसखर करना चाहे तो ग्यारह मरतबा यह इसमें पढ़े इन वो फर्मा हो जाएगा ऐ सबसे बुलंद बर्तर जो शख्स कसरत से अलमतियों का विद रखे इनशाला उसकी तमाम मुश्किलात रफा होंगी और जो औरत हालत हैज में कसरत से इस इस्म का विरद रखे इनशा उसकी तकलीफ रफा होगी ये ए बड़ा अच्छा सलूक करने वाले जो शख्स शराब नोशी जिनाकारी वगैरह जैसी बदकारियों में गिरफ्तार हो रोजाना सात मरतबा अलबर्र पढ़े इनशा इन गुनाहों की रगबत जाती रहेगी जो शख्स खुब्ब दुनिया में मुब्तला हो इस इस्म को बकसरत पढ़े इन शह दुनिया उसके दिल से जाती रहेगी जो शख्स अपने बच्चे पर पैदा होने के बाद ही साथ मरतबा इस इस्म को पढ़कर दम करे और अल्लाह के सुपुर्द कर दे वो बलूख तक तमाम आफतों से महफूज रहे या ए बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाले जो शख्स नमाज चाश्त के बाद तीन सौ साठ मरतबा या तवाबू पढ़ा करेगा इन शाह उसे सच्ची तोबा नसीब होगी और जो शख्स कसरत से इस इसम को पढ़ा करेगा इन तमाम काम आसान होंगे अगर किसी जालिम पर दस मरतबा पढ़कर दम किया जाए तो इंशाला उससे खुलासी नसीब होगी ये ए बदला लेने वाले जो शख्स हक पर हो और दुश्मन से बदला लेने की उसमें कुदरत ना हो वो तीन जुमे तक कसरत या मुंतकमू पढ़े अल्लाह ताला उससे खुद इंशाला इंतकाम ले लेंगे या बहुत ज्यादा माफ करने वाले जो शख्स कसरत से अल अफू वो पढ़ा करे अल्लाह गुनाहों को इनशाला माफ फरमा देंगे ए बहुत बड़े मुशफ जो शख्स ब कसरत या रऊफों का विरद रखे इन शाह मखलूक उस पर मेहरबान हो जाएगी और वो मखलूक पर और जो शख्स दस मरतबा दरूद शरीफ और दस मरतबा इस इसम को पढ़े तो इन शह उसका गुस्सा रफा हो जाएगा दूसरे गजबनाक शख्स पर दम करे तो उसका गुस्सा रफा होगा या मुल्क। ए मुल्कों के मालिक जो शख्स या मालिकुल मुल्क को हमेशा पढ़ता रहेगा अल्लाह ताला उसको गनी और लोगों से बेनियाज फरमा देंगे और वो किसी का मोहताज ना रहेगा या अजमतो जलाल और इनामो इकराम वाले जो शख्स कसरत से याजल जलाल इकराम पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको इज्जत अजमत और मखलूक से इस्तगना तगना फरमा देंगे अदलो इंसाफ कायम करने वाले जो शख्स रोजाना अल मुख़सितों को पढ़ा करेगा, वो इंशाअल्लाह शैतानी वसवसों से महफूज रहेगा और अगर किसी खास और जायज मकसद के लिए सात सौ मरतबा इस इसम को पढ़ेगा तो इन शाह वह मकसद हासिल होगा या ए सब को जमा करने वाले जिस शख्स के आइज़ा या अहबाब मुंतशिर हो गए हों वो चाश्त के वक्त हसल करके और आसमान की तरफ मुंह करके दस मरतबा या जामे पढ़े और एक उंगली बंद कर ले इसी तरह हर दस मरतबा पर एक उंगली बंद करता जाए आखिर में दोनों हाथ मुंह पर फेरे इन जल जल्द जमा हो जाएंगे अगर कोई चीज गुम हो जाए तो अल्लाहुम्मा या जाम अन्ना से इजमा ती पढ़ा करे वो चीज उसे इंशाला मिल जाएगी जायज मोहब्बत के लिए भी ये दुआ बेमिसाल है। ये गनी, ऐ बड़े बेनियाजो बेपरवाह जो शख्स रोजाना सत्तर मरतबा या गनी हो पढ़ा करे अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अदा फरमाएंगे और इंशाला वो किसी का मोहताज न रहेगा जो शख्स किसी जाहिरी या बातनी मर्स या बला में गिरफ्तार हो वो अपने तमाम आजाद और जिस्म पर या गनियों पढ़कर दम किया करे इनशा निजात पाएगा ऐ बेनियाजो गनी बना देने वाले जो शख्स अव्वल आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर ग्यारह सौ ग्यारह मरतबा वजीफे की तरह अल्मनी पढ़े तो अल्लाह ताला उसको ज़ाहरी वातनी गना अता फरमाएंगे सुबह की नमाज के बाद पढ़े या इशा की नमाज के बाद इसके साथ सूरह मुज़म्मिल भी तिलावत करे ऐ रोक देने वाले अगर बीवी से झगड़ा या नाचाकी हो तो बिस्तर पर लेटते वक्त बीस मरतबा अलमानी पढ़ा करे इंशाल्लाह झगड़ा और नाचाकी दूर हो जाएगी और बाहिमी इन मोहब्बत पैदा हो जाएगी जो शख्स बकसरत इस इसम का विद रखेगा इंशाला हर शर से महफूज रहेगा अगर किसी खास और जायज मकसद के लिए पढ़े तो इनशाला वो हासिल हो जाएगा ये पहुंचाने वाले जो शख्स शबे जुमा में सौ मरतबा अदारो पढ़ा करे वो इंशाला तमाम जाहरी और बातनी आफतों से महफूज रहेगा और खुदाबंदी उसे हासिल होगा या नफा पहुंचाने वाले जो शख्स कश्ती या किसी और सवारी में सवार होने के बाद या नाफिओ कसरत से पढ़ता रहे इन हर आफत से महफूज रहेगा जो शख्स किसी भी काम के शुरू करते वक्त इकतालीस मरतबा या नाफिओ पढ़ लिया करे इन काम हंसबे मंशा होगा जो शख्स बीवी से जमा के वक्त स्म पढ़ लिया करे उसे इन शाह औलाद साले नसीब होगी नू सरतापा नूर और नूर बख्शने वाले जो शख्स शबे जुमा में सात मरतबा सूर नूर और एक हजार मरतबा अन पढ़ा करे तो इनशाला उसका दिल अनवार इलाही से मुनवर हो जाएगा ऐ सीधा रास्ता दिखाने और उस पर चलाने वाले जो शख्स हाथ उठाकर आसमान की तरफ मुंह करके बकसरत या हादियों पढ़े और आखिर में चेहरे पर हाथ फेर ले उसको इंशाला कामिल हिदायत नसीब होगी और अहले मार्फत में शामिल हो जाएगा ए, बेमिसाल चीजों को ईजाद करने वाले जिस शख्स को कोई गम या मुसीबत या कोई भी मुश्किल पेश आए वो एक हजार मरतबा या बदी समावत वाल अर्द पढ़े इनशा कशाइश नसीब होगी जो शख्स इस इसम को बावजू पढ़ते हुए सो जाए तो जिस काम का इरादा हो वह इनशा खाब में नजर आ जाएगा जो शख्स नमाज इशा के बाद या बदी अल बिल खैर या बदी ओ बारह सौ मरतबा बारह दिन पढ़ेगा तो जिस काम या मकसद के लिए पढ़ेगा इन वो पूरा अमल खत्म होने से पहले हासिल हो जाएगा आजमूदा है बाकी। ए हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले जो शख्स इस, इस इस्म को एक हजार मरतबा जुमे की रात में पढ़े अल्लाह उसको हर तरह के जरार नुकसान से महफूज रखेंगे और इन शह उसके तमाम नेक अमल मकबूल होंगे वारिस। सब के बाद रहने वाले। जो शख्स तलु आफ्ताब के वक्त सौ मरतबा या वारिस हो पढ़ेगा इन शर रंजम और सख्ती व मुसीबत से महफूज रहेगा और खात्मा बिलखैर होगा और जो शख्स मगरब ईशा के दरमियान एक हजार मरतबा पढ़े हर तरह की हैरानी और परेशानी से इंशाला महफूज रहेगा रशीद ए रास्ती और ने कोई पसंद करने वाले जिस शख्स को अपने किसी काम या मकसद की तदबीर ना समझ में आती हो वो वह मगरबाइशा के दरमियान एक हजार मरतबा या रशीदों पढ़े तो इन शाह या खाब में तदबीर नजर आ जाएगी या दिल में उसका इल्का हो जाएगा अगर रोजाना इस इस्म का विद रखे तो तमाम मुश्किल इन शाह दूर हो जाएंगी और कारोबार में खूब तरक्की होगी सबूर। बड़े सब्र तहमुल वाले जो शख्स तुलुए आफ्ताब से पहले सौ मरतबा असबूर व पढ़े वो इन श्ला उस दिन हर मुसीबत से महफूज रहेगा और दुश्मनों और हासिदों की जबानें बंद रहेंगी जो शख्स किसी भी तरह की मुसीबत में गिरफ्तार हो वो एक हजार बीस मरतबा इस इज को पढ़े इनशाला उससे नजात पाएगा और इतमान कल्ब नसीब होगा